नमस्कार, लेट्स को समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं हरी मिर्च का अचार बना रहे हैं। तो हरी मिर्च का अचार काफ़ी अच्छा टेस्टी एकदम चटपटा अचार बन के तैयार होगा। और ये अचार को जो है बनाना बिल्कुल ही आसान है, सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे ये होगा हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मिर्च लिए, मिर्च को हमें धो के सुखा लेना है। तो मिर्च मेरा जब तक सूख रहा है तो हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये हमने 2 बड़ी चम्मच सौंफ लिए हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच मेथी लिए हैं, और ये हमने 1 बड़ा चम्मच सरसों लिए। सरसों राई जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। तो हमने पैन गर्म होने के लिए रखे हैं, इसमें ये सारे मसाले को हम डाल देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। तो अगर आप अचार जब भी बनाएं तो मसाला को भून के डालें, अगर भून के आप नहीं डालेंगे तो अचार जो है आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा और अच्छा टेस्ट भी नहीं आता। अगर आप इस तरह से मसाला को भून के डालें तो आपके अचार का टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है और ये अचार जो है आपका ख़राब भी नहीं होता है। तो इसे हाई फ्लेम पर आप ना भूनें, मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेना है। तो मसाला को हमने 1 से 1.5 मिनट भुने हैं, मसाला में से खुशबू आने लगा है और मसाला जो है मेरा अच्छी तरह से भुना गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे निकाल लेना है। तो मसाला निकाल लिए और इसी में हम ये सरसों डालेंगे। तो इस समय हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। सरसों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है तो इसीलिए हमने गैस बंद कर दिया और ये मेरा पैन गर्म है तो इसी में हमें इसे भून लेना है। ज़्यादा देर नहीं भूनना है हमें इसे, 15 से 20 सेकेंड के लिए भून लेना है। तो सारे मसाला हमने भून कर तैयार कर लिया। अब इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे हमें पीस लेंगे। तो ज़्यादा हमें बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा पीसना है। तो हमने मसाला को पीस लिया, देख सकते हैं सारे मसाला हमने सरसों और बाकी सारे मसाले को हमने पीस लिए हैं। और ये हमने लिए हैं 2 आम, इसे हमने कद्दूकस कर लिए हैं। तो मिर्च को हमने सुखा लिए, देख सकते हैं जरा सा भी मिर्च में पानी नहीं है। अब हमें मिर्च को क्या करना है, इस तरह से हमें मिर्च में चीरा लगा देना है। ये देखिए इस तरह से हमें सारे मिर्च में इसी तरह से हमें चीरा लगा लेना है। तो ये जो मिर्च का जो है काफ़ी अच्छा अचार बन के तैयार होगा और ये काफ़ी अच्छा खाने में लगता है। इसे पराठा पूरी किसी भी चीज़ के साथ खाइए, हर चीज़ के साथ ये आपको अच्छा लगेगा, इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। ये जो हरा मिर्च आता रहता है ना, जो हल्का सा मोटा वाला मिर्च, वो मिर्च का है। एक मिर्च आता है जो मिर्च अचार बनाने वाला मोटा वाला मिर्च आता है, जिसका लाल मिर्च का हम अचार बनाते हैं, तो ये वो मिर्च नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो अचार काफ़ी अच्छा खाने में लगता है, बिल्कुल ही आसान है बनाना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाता है। और ये अचार आप बना के साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है, सिर्फ आपको कुछ बात का ध्यान रखना होगा। ये हमने सारे मिर्च में चीरा लगा दिया है, अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो हम एक बड़ा बर्तन लिए और ये जो हम सारे मसाला पीस के रखे थे इसे हमने इसमें डाल दिए हैं। इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, तो 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो हमने आम कद्दूकस करके रखे थे, आम ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हमें ऐड करना है, तब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच हम इसमें काला नमक ऐड किए। काला नमक डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और ये हमने सफ़ेद नमक डाल रहे हैं, तो 2 बड़ा चम्मच डाले हैं, आप आवश्यकता अनुसार डाल दें। 1 छोटा चम्मच हींग डाल रहे हैं और 1 छोटा चम्मच इसमें हम कलौंजी डाल रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेनेगर। वेनेगर डालने से ये होता है कि अचार जो है ख़राब नहीं होता है, तो ये हम इसमें 2 चम्मच वेनेगर डाले हैं। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं तेल, तो तेल को हमने गरम कर लिए हैं, गरम करके हल्का सा ठंडा किए हैं, उसके बाद डाल रहे हैं। इस समय भी तेल गरम है। तब हमें क्या करना है, इस मसाले को अच्छी तरह से हमें मिला लेंगे। इसमें इस समय हम तेल, आप देखें हम 1 कप तेल डाले हैं, अगर तेल इसमें हमें और लगेगा तो हम तेल इसमें गरम करके फिर से हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। गरम करके तेल को ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। इस समय इसमें इतना ही तेल काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें तेल नहीं ऐड करना है। जब हम मिर्च में ये मसाला भरेंगे उसके बाद हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तो ये जो है वीडियो का आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। इसमें जो हम डाले हैं आम कद्दूकस करके, तो अगर आप आम के सीजन में नहीं बना रहे हैं तो आप 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर
आप डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आमचूर पाउडर एक बड़ा चम्मच आप इसमें डाल दें। अब विनेगर जो है आपको भी विनेगर डाल सकते हैं, ये हमने व्हाइट विनेगर डाले हैं, सिरका आपको भी विनेगर डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका अचार जो है ख़राब नहीं होगा। विनेगर डालने से काफ़ी दिन तक आप अचार को रखिए, अचार ख़राब नहीं होगा। सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आप जो भी बर्तन इसमें यूज कर रहे होंगे या फिर आपके हाथ में भी ज़रा सा भी पानी ना लगा हुआ रहे, और ना ही आप जो भी बर्तन यूज कर रहे हैं उसमें पानी रहे, तो आपका अचार जो है काफ़ी दिन चलेगा, नहीं ख़राब होगा। अब इसमें हमें क्या करेंगे, इस मिर्च में मसाला हम लेंगे और इसमें हमें अच्छी तरह से मसाला को भर देना है। इस तरह से हमें सारे मिर्च में अच्छी तरह से अचार में मसाला भर देंगे। तो ये मिर्च जो है नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वही मिर्च है, लेकिन इसी में आता है एक हल्का सा मोटा वाला मिर्च आता है, तो ये वही मोटा वाला मिर्च है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा ये मिर्च। तो इसमें हम सारे मिर्च में इस तरह से भर लेते हैं। तो सारे मिर्च में हमने मसाला अच्छी तरह से भर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक जार लेना है। तो जार जो है आप कांच का जार लें और इसमें जो हल्का सा गुनगुना पानी से जार को आप धो के सुखा लें। ज़रा सा भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए, अगर पानी का अंश हो तो फिर आपका अचार जो है ख़राब हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो अचार है इसे हम एक एक करके इसमें डालेंगे। इसमें हमें अच्छी तरह से भर देना है। ये अचार जो अगर आप इस तरह से बनाएंगे, अगर पानी का नहीं है, इसमें पानी ज़रा सा भी टच नहीं होगा, तो ये आपका अचार जो है काफ़ी समय तक चलेगा। आप जितना दिन आप इसे रख सकते हैं उतना दिन रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। अगर ज़रा सा भी पानी इसमें लग गया तो आप अचार ख़राब हो जाएगा। तो अचार बनाने वक्त जो है आप दो चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। एक कि आप इसमें अचार में जो नमक जो है थोड़ा सा तेज़ डालिए, क्योंकि अचार में नमक जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है। और दूसरे बात का इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें जो है ये जो पानी जो हम आपको बताए हैं नहीं लगना होना चाहिए। जो भी बर्तन आप यूज करें एकदम साफ और सूखा हुआ बर्तन होना चाहिए, ना ही आपके हाथ में भी पानी नहीं रहना चाहिए लगा हुआ। हाथ को भी आप धुलने के बाद उसे अच्छी तरह से पोंछ ले कपड़े से, सूखा हुआ कपड़े से हाथ को आप अच्छी तरह से सिद्ध कर ले, जिससे ये होगा कि पानी का अंश नहीं आएगा तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले जार में अच्छी तरह से अचार को हमें भर लेना है। तो अचार हमने भर लिए जार में, अब इसके ऊपर हमें क्या करना, तेल ऐड करना है। तो तेल जो है अब भरने के बाद आप दबा के भरें, उसके बाद आप इसमें तेल डालें, तो तेल जो है अचार के ऊपर अगर तेल रहेगा तो अचार जो है आपका काफ़ी दिन चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। अगर तेल आप ज़्यादा नहीं पसंद कर सकते हैं करते हैं तो आप तेल इसमें कम भी डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। सो तेल इसमें ज़्यादा भरा हुआ ही होना चाहिए। तो ये अचार इस समय भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसे आप 2 से 3 दिन धूप लगा लें, और 2-3 दिन बाद आप इसे खाएंगे तो काफ़ी अच्छा ये अचार जो अच्छी तरह से मसाले को जो मिर्च में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर आपको ये अचार ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे आप इसे इस समय भी खा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।